चलिए शुरुआत यूपी के बरेली की खबर के साथ ही करते हैं, जहां पर 6 बच्चों की आग में जलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मोमबत्ती गिरने से घर में आग लग गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। मामला किला छावनी इलाके का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है बिजली की कटौती के चलते बच्चे मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे थे, और इसी दौरान मोमबत्ती के गिरने से आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में 6 बच्चे जिंदा जल गए। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पटाखों से भरे ट्रक में जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से ट्रक में रखे पटाखों में ब्लास्ट शुरू हो गया। काफी देर तक धमाके होते रहे। काफी कोशिशों के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया जा सका। मुंबई के नाहूर इलाके के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के पास बीती रात भीषण आग लग गई। आग सड़क किनारे झाड़ियों में लगी थी और इसके बाद धीरे धीरे करीब 1 किलोमीटर तक फैलती चली गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में संसद में सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया है कि मीडिया को मैनेज करने के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में भारत सरकार ने मिडिल मैन क्रिश्चियन माइकल के एक्सट्रेडिशन के लिए ब्रिटिश सरकार से बात की है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। स्वामी ने कहा है कि सीबीआई, रॉ, आईबी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम बनाई जानी चाहिए। सोनिया गांधी और अहमद पटेल को गवाह के तौर पर बुलाया जाना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले पर अमित शाह के पूछे गए सवालों का कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि जिस कांग्रेस को जवाब देना चाहिए वो आरोप लगा रही है। अमित शाह ने सोनिया गांधी से घूसखोरों के नाम बताने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जून में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर पॉल रॉय ने मोदी को संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्योता भेजा है। पहली बार उनके दौरे को राजकीय दर्जा दिया जा रहा है। चीन ने कहा है कि वो जल्द से जल्द भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है। एनएसए अजीत डोवाल के काउंटर पार्ट यंग चेजी ने उनसे कहा कि चीन भारत के साथ सभी सीमा विवाद को खत्म करना चाहता है। असम के तिनसुकिया में डस्टबिन ब्लास्ट में 11 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्लास्ट में उल्फा के आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया है। शिमला में लैंड डील में ना आने पर ये नोटिस जारी किया गया। प्रियंका ने जमीन की जानकारी गुप्त रखने की अपील की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आगे चल रहे रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है परमाणु हथियार संपन्न अस्थिर पाकिस्तान से निपटने में भारत अमेरिका की मदद कर सकता है। ट्रंप ने इंडियाना पोलिस टाउन हॉल सेशन के दौरान पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर पूछे गए सवाल के जवाब में बयान दिया। विजय माल्या को लंदन से भारत लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन हाई कमीशन को चिट्ठी लिखी है। हालांकि भारत और यूके के बीच समझौते की धारा 9 के तहत माल्या ने ये कहकर वो बच सकते हैं कि एक्सट्रेडिशन परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का नाम बदलकर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करने का एंट्रेंस टेस्ट करने का आदेश दिया है। अब सभी देश के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS और PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ही कॉमन टेस्ट होगा। NEET इसी साल से लागू होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी किताब में भगत सिंह के नाम के साथ आतंकी शब्द हटेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से आतंकी शब्द हटाने का अनुरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले में
सोनिया गांधी को गिरफ्तार किए जाने की बीजेपी को चुनौती दी है। साथ ही कहा है कि सरकार उन कांग्रेसी नेताओं से पूछताछ करे जिनके नाम का जिक्र इटली की कोर्ट के फैसले में आया है। ऑगस्टा डील मामले में कांग्रेस का नाम लाने पर एनडी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने दिल्ली की रायसीना रोड में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ऑगस्टा घोटाले में इटली की कोर्ट के फैसले में कांग्रेस नेताओं का जिक्र आने के बाद बीजेपी ने यह मुद्दा संसद में उठाया था। दिल्ली सरकार ने बदतर होती एयर क्वालिटी के लिए लगातार लग रही आग को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ऑड इवेंट पार्ट टू के दौरान एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है, लेकिन आज की घटनाओं की वजह से ये चीजें नोटिस नहीं हो रही हैं। इधर दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस एडमिशन के मामले में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को एक नया निर्देश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ प्राइवेट स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्कूल के लिए तय मानदंड 20% दाखिला नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दो गंभीर मरीजों के ट्रांसप्लांट के लिए लीवर और हार्ट ले जा रही एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराया। समय पर लीवर और हार्ट पहुंचने से ट्रांसप्लांट संभव हो सका और दो लोगों की जान बचाई जा सकी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और डीएमआरसी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कहा है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण मंजूर लेने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय ने दलील दी है कि रेलवे और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए पर्यावरण मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इधर दिल्ली के नेहरू म्यूजियम से चोरी हुए सोने के खंजर को दिल्ली पुलिस ने म्यूजियम के हाउसकीपिंग स्टाफ के पास से बरामद किया है। इस शानदार खंजर को 1954 में सऊदी अरेबिया के किंग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बतौर तोहफा दिया था। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट पूजा राय ने खुदकुशी कर ली। पूजा का शव उनके कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला। सूत्रों के मुताबिक कमरे में मिले सुसाइड नोट में पूजा ने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है। पूजा की पिछले साल नवंबर में गुड़गांव के एक बिजनेसमैन से शादी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराने दिल्ली के चांदनी चौक के चर्च मिशन रोड के पास एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल ढह गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी जिसमें मरम्मत का काम चल रहा था। पुलिस ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई को 5 घंटे की हिरासत में रखने के बाद देर रात पुलिस ने छोड़ दिया। तृप्ति अब सीएम हाउस की ओर जब बढ़ रही थी तब उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने तृप्ति के खिलाफ मुंबई के तारदीव पुलिस स्टेशन में बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया। तृप्ति देसाई कल अपने समर्थकों के साथ हाजी अली दरगाह में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सकी थी। जब वो दरगाह के पास पहुंची तो भारी विरोध के चलते गाड़ी से उतर नहीं सकी और वापस लौट गई। दरगाह के बाहर ट्रस्ट के सदस्यों के अलावा MIM और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृप्ति देसाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिंगर अंकित तिवारी ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में अर्जी देकर रेप के एक मामले में उन्हें डिस्चार्ज किए जाने की गुजारिश की है। कोर्ट में उनकी अर्जी पर 4 मई को सुनवाई होगी। एक महिला की शिकायत के बाद अंकित तिवारी को रेप के आरोप में मई 2014 में गिरफ्तार किया गया था। राज ठाकरे की पार्टी MNS की फिल्म विंग ने विदेशी कलाकारों के वर्क परमिट के लिए सख्त नियमों की मांग की है। फिल्म विंग के अध्यक्ष स्मिता ठाकरे ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस बारे में बात की। गौरतलब है कि हाल ही में MNS कार्यकर्ताओं ने विदेशी कलाकारों के मुद्दे पर जॉन इब्राहिम स्टारर फिल्म फोर्स 2 की शूटिंग रुकवा दी थी। मुंबई के कल्याण के पास पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कई घंटों तक इसमें से पानी बहता रहा लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। महाराष्ट्र में बीड के जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई एक महिला के परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप है कि डिलीवरी के बाद लगातार तबियत बिगड़ने पर महिला को ICU में शिफ्ट किया गया लेकिन कॉल करने के बावजूद कोई डॉक्टर नहीं आया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। नागपुर पुलिस ने एक ऐसे पाखंडी बाबा को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की घरेलू समस्या हल करने के नाम पर
उनसे पैसे ऐंठता था। इस बाबा ने एक महिला से पहले तो 3,000 रुपए लिए, बाद में 10,000 ना देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जिसके बाद महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। महाराष्ट्र के गोंदिया में तेज हवा और बेमौसम बारिश से आम और दूसरी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवा और बारिश के चलते करीब 20 से 25 क्विंटल आम खराब हो गए, साथ ही तूफान से वहीं पर कई घरों के छप्पर उड़ गए और घंटों बिजली खुल रही। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका पर सुनवाई टल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट अब 9 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट में बागियों के वकील कोर्ट में वक्त पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के होने पर ही फैसला दिया जा सकता है। इधर लखनऊ पुलिस ने एसपी विधायक रामपाल यादव और उनके समर्थकों को हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एलडीए की टीम जब विधायक के अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंची तो विधायक के समर्थकों ने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। एलडीए की टीम से अभद्रता की गई। एक समर्थक ने तो पुलिस पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डीयू की किताब में सरदार भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी बताने वाली विवादास्पद पुस्तक को लेकर कानपुर के स्पेशल सीजीएम कोर्ट में 2 वकीलों ने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश त्यागी समेत पुस्तक के 3 लेखकों को पार्टी बनाया गया है। लखनऊ के राज्य संग्रहालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ठीक से देखरेख न होने पर वहां रखी 5,000 साल पुरानी मम्मी के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो गया है। दरअसल इसी संग्रहालय में मिस्र गैलरी बनाने का प्रस्ताव है, तो इसके लिए मम्मी को शिफ्ट किया गया, लेकिन इस दौरान बेतरबी तरीके से इसे 3-3 बार खोला गया, जिससे ये कई जगहों से टूट गई है। पूरा मामला सामने आने के बाद संग्रहालय के तत्कालीन निदेशक का रातों रात तबादला कर दिया गया। यूपी के बागपत में 2 पुलिसकर्मियों ने नशे में एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, दोनों सिपाहियों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ शव को नाले में फेंकने की कोशिश की। मामले में आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अभी तक दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। यूपी के कन्नौज में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे 5 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। जांच में टीचर्स के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर 5 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कराया गया। मेरठ में बैंकों ने कर्जदारों से पैसा वसूली के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है। इसके लिए बैंकों के कर्मचारी बकायेदारों के घर और दुकानों पर जाकर गुलाब देकर बकाये पैसे की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश में बच्चों ने गंगा का संदेश लेकर 5,000 पोस्टर बनाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। इन पोस्टर्स के जरिए गंगा संरक्षण का संदेश दिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 9 जनवरी को एक नाबालिग के साथ हुई रेप की वारदात के आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। विधानसभा तक अब इस मामले की गूंज पहुंचने के बाद पुलिस आरोपी के स्केच और मुखबिरों के जरिए उसकी तलाश कर रही है। यूपी के उन्नाव में एक ही परिवार के 2 बेटों की मौत से सनसनी फैल गई। दोनों भाइयों का दिल्ली में फल का कारोबार था। एक भाई का अपहरण हुआ है, फिरौती मांगी गई। पुलिस ने दूसरे भाई को 60,00,000 रुपए फिरौती लेकर भेजा। पीछे सादे कपड़ों में खुद भी रहे, लेकिन किडनैपर्स ने न सिर्फ पैसे छीन लिए बल्कि दोनों भाइयों का मर्डर भी कर दिया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यूपी के शामली में मामूली झगड़े के बाद पति ने पत्नी की जलाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपने दोस्त के साथ मिलकर शव को एसपी ऑफिस के पास दफनाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद की गई। हरियाणा के फरीदाबाद में महिला कांस्टेबल की हत्या मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का केस दर्ज किया है। आरोपी मानवीर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में तैनात था और पहले से शादीशुदा था। मृतक के परिवार वालों को दोनों की शादी के बारे में जानकारी भी फरीदाबाद पहुंचने पर ही हुई। नोएडा के ककराला गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक दिल्ली के व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यापारी ककराला गांव में अपना प्लांट देखने के लिए आया था। व्यापारी पुरानी दिल्ली का रहने वाला था और स्कूटी से नोएडा आया करता था। यूपी के झांसी में 22 अप्रैल को किन्नर शोभा और उसके एक साथी बाबा की हत्या और
लूट मामले में पुलिस ने एक किन्नर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद था। यूपी के रायबरेली रेलवे स्टेशन में बुकिंग ऑफिस में लॉकर से 4 लाख रुपए संदिग्ध हालत में चोरी हो गए। रेलवे स्टेशन पर हुई चोरी की इस घटना से जीआरपी और आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में 2 दिन पहले 12 साल की बच्ची के साथ हुई गैंगरेप के बाद हत्या मामले में पुलिस ने गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। यूपी के मथुरा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दिया। गोपाल प्रसाद नाम का शख्स अपने एक साथी के साथ 6 लाख रुपए लेकर बाइक पर अपने घर जा रहा था और उसी वक्त बदमाश उससे रुपए लेकर फरार हो गए। पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए पंजाब से सटे भारत पाक बॉर्डर पर 8 लेजर वॉल बनाई गई है। बॉर्डर पर नहर और नदियों वाले इलाकों में कुछ ही दिनों में 4 और लेजर वॉल बनाई जाएंगी। पाकिस्तानी घुसपैठ रोकने के लिए करीब 45 लेजर वॉल पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाई जानी है। लेजर वॉल लगने के बाद आतंकियों के लिए घुसपैठ करना असंभव होगा। श्रीनगर के रैनावरी में कल 27 साल बाद वैताल भैरव के कपाट एक बार फिर खोल दिए गए। देश विदेश से आए कश्मीरी पंडितों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इस मौके पर इलाके के में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी मौजूद थे। मंदिर का निर्माण 1986 में हुआ था, लेकिन 1979 में घाटी में आतंकवाद बढ़ने के बाद इसे बंद करना पड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार चुनाव थम गया है। 5वें चरण में सीएम ममता बनर्जी की किस्मत का भी फैसला होगा। ममता बनर्जी ने कल कोलकाता के गरियाहाट से गरिया तक पदयात्रा की।